तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर शाम में करौली गांव निवासी राजाराम यादव की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। अधेड़ का शव खून से लथपथ गांव के कच्चे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से ही घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कटौली गांव के राजाराम यादव जी थे और आज शाम को 6:30 बजे के आसपास इनके बेटे को यह सूचना प्राप्त हुई कि ये जो कच्चा रास्ता है जो इनके गांव की ओर जा रहा है वहां पर इनकी डेड बॉडी पड़ी है। मौके का मुआयना किया गया है। सिर पे और पेट पे घाव के निशान हैं। शव को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और समुचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या हुआ भैया? बाग में पानी लगा रहा था, मैं वहाँ यहाँ नहीं था। ठीक, लड़का गया, जब वहाँ से बताए तो हम लोग दौड़े के आए हैं। ठीक, तब यहाँ देखा कि हालत में तो साइकिल भी यही पड़ी थी, हत्या की गई है, दुश्मनी निकाली गई है। ये दरअसल तो अभी दोपहर में पानी खेत में लगा रहे थे, उसके बाद में ये डेली का इनका नियम है चौराहे पर जाने का। वहाँ जा रहे थे, उधर से लौट के आए हैं। लौटने के बाद यही 6:30-7 के बीच में इनको चाकू और बांके से मारा गया है, हत्या की गई है। थाना दुबग्गा के अंतर्गत कटौली गांव का एक व्यक्ति श्री राजाराम यादव का मृत अवस्था में मिलने का सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई है। बॉडी पर कुछ चोट की निशाने भी पाया गया है। बॉडी को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारजन से तहरीर प्राप्त कर नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो बिजनौर के मोहित पेपर मिल में सुरक्षा को लेकर ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का द्वितीय सेफ्टी रिहर्सल किया गया और जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार ही सहायक निदेशक, कारखाना श्रम प्रवर्तन अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में रिहर्सल किया गया। श्रम आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में तथा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज मोहित पेपर मिल में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल किया गया। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। सभी अब इस मॉक ड्रिल का पर्पज ये है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का रिसाव होने की संभावना है या रिसाव होता है तो उसको किस प्रकार से काबू में किया जाए और यहाँ पर कोई जनहानि न हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी डैमेज न हो। तो जिलाधिकारी रमेश रंजन और मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने पर्यटन के लिहाज से ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदुराव के कुशांड कालीन, मनरेगा पार्क और अवस्थित तालाब का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने विकास और सौंदर्यकरण के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। तो डीएम ने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया है, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डीएम के निरीक्षण के दौरान की है। विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं क्योंकि ये पूरा इलाका पर्यटन के लिए काफी मशहूर है, पर्यटनों के बीच काफी मशहूर है। ऐतिहासिक यहां पर कई स्थल हैं जिसका निरीक्षण डीएम ने किया है। विकास और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के जरूरी दिशा निर्देश भी डीएम के द्वारा दिए गए।
खबर हमीरपुर से है, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। खाद वितरण के दौरान ये झड़प हुई। इस दौरान सरीली चौक इंचार्ज गौरव चौबे घायल हो गए। आनन फानन में हालांकि चौक इंचार्ज को सीएससी में भर्ती कराया गया। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने की वजह से वो काफी परेशान थे। काफी दिनों से वो परेशान भी चल रहे थे। प्रशासन को सूचना मिलते ही सरीला सीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सरीला खाद विभाग समिति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बांदा में एक 20 साल की नवविवाहिता दहेज के दानवों का शिकार हो गई। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता का शव घर में फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लगाया नहीं, लोगों ने लगा दिया है। किसने लगाया है, कौन है ये लोग? सास ससुर ननंद भौजाई देवर सब लोग मिला के, पूरे परिवार के मिला के जो है फांसी लगाया है। फांसी लगा के इसको घसीट के ऊपर बेड में पड़ाया है और भग गए हैं। यहाँ कोई नहीं है, पड़ोसियों से हमको जानकारी मिली तब हम यहाँ आए। सर, ये थिंदवारी थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा आत्महत्या कर दी गई, क्या मामला? ओमनी गुप्ता पत्नी प्रियांशु गुप्ता, उम्र 21 वर्ष लगभग, जिसकी शादी दिनांक 18 फरवरी 2022 को हुई थी। कल रात्र लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर के अंदर साड़ी के फंदे से पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। तो एटा के थाना मारहरा क्षेत्र के गांव मोहिदुनपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर दबंग प्रधान के पर्चे को कैंसिल कराना व्यक्ति को भारी पड़ गया। पीड़ित ने प्रधान पर आरोप लगाया कि प्रधान का विरोध करने पर उसे फर्जी मामले में जेल भिजवा दिया गया और 7 दिसंबर को उसके घर में आग भी लगा दी गई। पीड़ित इस बात से भी परेशान है कि उसके परिवार की हत्या कराई जा सकती है। पीड़ित मुकेश कुमार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहाँ से सर सुन दर्शन श्री अमर सिंह भाग रहा था, मैंने क्या विवाद क्या था, मामला क्या था पूरा? तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर, विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। संयुक्त छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रॉक्टर से नाराज छात्रों ने मोर्चा खोला। छात्र कर रहे प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग। कैंपस से पुलिस को हटाया जाए ये छात्रों का कहना है। सिर्फ गेट पर ही रखी जाए पुलिस। कैंपस में हुई घटनाओं से छात्र में काफी गुस्सा है और इसी गुस्से की वजह से छात्रों ने प्रदर्शन किया है। एलयू कैंपस में छात्रों पर की गई थी कार्रवाई और इसी कार्रवाई के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन आज छात्रों के द्वारा किया गया। एनएसयूआई आईसा सहित कई छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया। संयुक्त छात्र संगठन की ओर से यह प्रदर्शन किया गया। छात्र प्रॉक्टर के खिलाफ इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्रॉक्टर इस्तीफा दे और इसी इस्तीफे की वजह से आज विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रॉक्टर से काफी छात्र नाराज थे क्योंकि पिछले दिनों छात्रों पर कार्रवाई की गई थी और इस कार्रवाई की वजह से छात्रों ने प्रदर्शन किया है।
तो ये तस्वीरें हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं विश्वविद्यालय की, जिस विश्वविद्यालय में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रही हैं, प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। प्रदर्शन की हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रॉक्टर से काफी छात्र नाराज थे क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले छात्रों पर कार्रवाई की गई थी और इसी कार्रवाई के विरोध में आज तमाम छात्रों ने प्रदर्शन किया है। राजधानी लखनऊ से प्रदर्शन की ये तस्वीरें, कई तरह की हालांकि छात्रों ने मांगे भी पेश की और इस मांगों में साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि प्रॉक्टर को इस्तीफा देना होगा। लगातार छात्र प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संयुक्त छात्र संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन, काफी संख्या में छात्र मौजूद है। आप तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी वहां पे भारी संख्या में ऐसे छात्र है जो काफी प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कई मांगे उन्होंने उठाई, उनमें एक मांग ये भी था कि प्रॉक्टर को इस्तीफा देना होगा क्योंकि पिछले दिनों छात्रों पर कार्रवाई की गई थी। ये भी कहना था छात्रों का कि सिर्फ मेन गेट पर ही पुलिस को तैनात किया जाए, तमाम जो विश्वविद्यालय के तमाम गेटों पर पुलिस की तैनाती की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन गेट पर ही पुलिस को तैनात किया जाए। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से। फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।